हेलो एवरीवन, दिस इज़ साक्षी राजपूत। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत बड़ी न्यूज़ अभी आई है ड्रग इंस्पेक्टर से रिलेटेड। ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट निकली है, कहाँ निकली है, कैसे आपको अप्लाई करना है, सारी चीज़ें आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, बी फार्मा फार्मा डी रिक्वायरमेंट, बी फार्मा वाले स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और फार्मा डी वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो सैलरी है वो 1.5 लाख तक की सैलरी इसके ऊपर आपको मिलेगी। इसमें जो सैलरी मिलेगी वो दिखाई गई है यहाँ पे, 1.5 लाख रुपए पर मंथ। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर गुजरात ड्रग सर्विस। जो ये वैकेंसी निकली है गुजरात में निकली है। और इसके बाद ये क्लास सेकंड गुजरात ड्रग सर्विस क्लास सेकंड एडवर्ड नंबर 29/2021-22 स्पेशल रिक्वायरमेंट अंडर द कमिश्नरेट ऑफ फूड एंड ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गुजरात स्टेट। जो ये वैकेंसी निकली है गुजरात स्टेट में निकली है और फूड एंड ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर निकली है। अब देखिए, यहाँ पे पोस्ट जो है वो यहाँ पे सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर की है क्लास सेकंड में, फूड एंड ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशल रिक्वायरमेंट। पोस्ट का जो नाम है वो सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर क्लास सेकंड नाम है पोस्ट का, फूड एंड ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन में ये पोस्ट निकली है। उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, तीन पोस्ट निकली है। टोटल पोस्ट कितनी है, तीन। उसके बाद पे स्केल क्या होगा, यहाँ पे आपको 9,300 रुपये से लेके यहाँ पे 34,800 रुपये यहाँ पे आपको मिलेंगे। कैसे, ग्रेड पे 4,600 रुपये एज पर सेवन्थ पे कमीशन, और फिर सेवन्थ पे कमीशन अगर हम मिलाए तो यहाँ 44,900 रुपये और टोटल बैठता है 1,42,400 रुपये। जो आपकी सैलरी है वो अलग अलग तरीके से ग्रेड वाइज डिवाइड की गई है, लेकिन मिलेगी आपको 1,42,400 रुपये अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि ये सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर है। ओनली ड्रग इंस्पेक्टर नहीं है, सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर है। उसके बाद टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे प्रीलिम होगा एग्जामिनेशन आपका, मींस ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस होंगे प्लस इंटरव्यू, इंटरव्यूज में मेन होता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है आपका एज, एज में क्या होगा, मिनिमम एज जो है वो आपकी कम से कम 21 साल से ऊपर आपकी एज होनी चाहिए ऑन द लास्ट डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। मींस जब भी आपका एडवर्टाइजमेंट ये निकला है उस तक आपकी एज जो हो वो 21 साल से ज़्यादा हो। मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, मस्ट नॉट हैड कम्प्लीटेड 40 ईयर्स, 40 साल से ज़्यादा का बंदा नहीं होना चाहिए जब से ये आपका एडवर्टाइजमेंट निकला है। उसके बाद बी कैलकुलेटेड ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन, वो आप जो एप्लीकेशन फॉर्म ये निकला है उसकी रिसिप्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद एज रिलैक्सेशन, फीमेल जो औरतें हैं महिलाएं हैं उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन ऑफिसर्स मेल के लिए आपका 5, फीमेल के लिए 5 साल, फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए जो कि फिजिकली डिसेबल होते हैं हाथ पैर वगैरह में किसी के कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए, मेल के लिए 10 साल का, फीमेल के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब बैचलर डिग्री इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंस और मेडिसिन विद स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और फार्मा डी ऑब्टेन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द सेंट्रल और अ स्टेट एक्ट इन इंडिया। देखिए क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, फार्मा डी कंप्लीट होनी चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी फार्माकोलॉजी या फिर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ये बैचलर डिग्री या फिर फार्मा डी की डिग्री आपके पास होनी जरूरी है और एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज एज सच और डिक्लेयर टू बी डीमीड एज अ यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 3 ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956। और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी अगर नहीं है, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है लेकिन वो अप्रूव्ड है, अगर वो मतलब डिक्लेयर्ड यूनिवर्सिटी है तो उससे भी आप पास आउट हो सकते हैं। उसके बाद सेकंड है पोजेस द बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपको बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है कंप्यूटर एप्लीकेशन की एज प्रिस्क्राइब इन द गुजरात सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन एंड
रिक्वायरमेंट जनरल रूल्स 1967। अब देखिए यहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है कंप्यूटर एप्लीकेशन की, कंप्यूटर की, और यहाँ पे आपको सिविल सर्विस क्लासिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट जनरल रूल्स 1967 के थ्रू जितने भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो सभी आपको फॉलो करने हैं, पता होने ज़रूरी हैं। थर्ड है यहाँ पे हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ गुजराती और हिंदी और बोथ। आपको नॉलेज होनी, जानकारी होनी ज़रूरी है हिंदी की, गुजराती की, या फिर दोनों की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस मेन होता है, यहाँ पे जो बात अटक जाती है वो होती है एक्सपीरियंस की। तो फर्स्ट है पॉइंट यहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए दिया है, हैव अबाउट 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 अंडर द कॉमेंसरेट ऑफ द फूड एंड ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन गुजरात स्टेट और किसी भी अदर स्टेट से भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस जो मांगा गया है वो कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स के अकॉर्डिंग। जो इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए वो कम से कम 5 साल का होना चाहिए फूड और ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर। उसके बाद सेकेंड हैव अबाउट 5 ईयर कंबाइंड और सेपरेट एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग of at least one of the substance specified in the schedule C of the drug and cosmetic rules 1945। उसके बाद आपको combined उसी के साथ या फिर अलग से separately 5 साल का experience होना ज़रूरी है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में, जिसके अंदर शेड्यूल सी की कोई भी ड्रग आपने, मतलब शेड्यूल सी के अंदर जितने भी आपके रूल्स रेगुलेशंस आते हैं उन सब के थ्रू आपने काम किया हो और इसमें जो सब्सटेंस हो के साथ आपने काम किया हो उसे स्पेसिफाई भी किया हो ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद इन प्रोडक्शन क्वालिटी कंट्रोल और रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ अ फार्मास्यूटिकल एस्टेब्लिशमेंट और इन द फील्ड रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी और इन द लैब टरी अप्रूव्ड फॉर दिस पर्पज बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बोर्ड, कॉरपोरेशन और लिमिटेड कंपनी एस्टेब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू आप यहाँ पे ड्रग अथॉरिटी, लाइसेंसिंग अथॉरिटी के थ्रू भी अपने काम यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें आ जाता है आपका गवर्नमेंट के अंडर हो, अंडरटेकिंग बोर्ड, कॉरपोरेशन, लिमिटेड कंपनी एस्टेब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। इसके थ्रू भी सारे रूल्स रेगुलेशंस आपको फॉलो करने हैं। उसके बाद यहाँ पे जनरल प्रोविजन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अब यहाँ पे जो सिटीजनशिप होनी चाहिए कैंडिडेट वो इंडिया का भी हो सकता है, सेकेंड है नेपाल का भी हो सकता है, थर्ड है भूटान का भी अप्लाई कर सकता है, फोर्थ है आपका तिब्बत का भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। एग्जाइल हु मस्ट हैव रेजिडेड इन इंडिया बिफोर जनवरी 1, 1922, जो कि इंडिया में आ गए हों, बस गए हों कब से, 1 जनवरी 1992 से पहले, चाहे वो नेपाल का हो, भूटान का हो, तिब्बत का हो, कहीं का भी पर्सन हो सकता है, लेकिन वो यहाँ पे इंडिया में स्टेबल होना चाहिए 1 जनवरी 1922 से पहले विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंट रेजिस्टेंस। और उसके पास इंटेंशन, उसके पास एक पूरा का पूरा प्रूफ होना चाहिए कि वो कहाँ का परमानेंट रेजिस्टेंस है इंडिया का। उसके बाद है ई पॉइंट, नेटिव इंडियन पर्सन हु इंटेंडेड टू सेटल परमानेंटली इन इंडिया फ्रॉम ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश, बुर्मा, श्रीलंका, केनिया, युगांडा, मस्ट बी फॉर्म द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ टेंजानिया, जिम्बा, मलावी, जेरा, एथियोपिया और वेटनम बट विद सब नंबर BCD एंड इन द केस ऑफ कैंडिडेट अपियरिंग इन ई द गवर्नमेंट शुड हैव इशूड अ सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी। अगर गवर्नमेंट ने इन्हें एलिजिबिलिटी का सर्टिफिकेट दिया है तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद नोट यहाँ पे करके दिया हुआ, द कमीशन विल कंसिडर द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द कैंडिडेट इन हुज केस द एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जरूरी है, रिक्वायर्ड है, एंड इफ
हिज नेम इज रिकमांडेड, अगर इसका नेम अपॉइंटमेंट के लिए रिकमांड किया जाता है, द स्टेट गवर्नमेंट विल गिव हिम टेम्परेरी अपॉइंटमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू एक टेम्परेरी अपॉइंटमेंट दी जाती है कैंडिडेट को ऑन कंडीशन ऑफ इशूरिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी इन हिज केस। वो किसके थ्रू, जो आपके केस में एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लगे होंगे, जो यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है, जो एलिजिबिलिटी मांगी है, अगर वो कंप्लीट आपकी मीन्स डॉक्यूमेंट्स में लगी हुई है तो आपको अपॉइंटमेंट दे दी जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू एक टेम्परेरी अपॉइंटमेंट, और शायद आप वहाँ भी अपॉइंट हो सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म देखिए, इफ़ यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर मोर देन वन एडवर्टाइजमेंट यू हैव टू अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच एडवर्टाइजमेंट एंड पे द फी ईच एप्लीकेशन। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं अलग अलग एडवर्टाइजमेंट में, अलग अलग फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अलग अलग ही अप्लाई करना पड़ेगा और अलग अलग ही एप्लीकेशन फ़ी भी भरनी पड़ेगी। सेकंड है नो रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट, जो नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट होते हैं, इफ़ दे पे द फी एट द पोस्ट ऑफिस, अगर वो पोस्ट ऑफिस में जाके फीस दे देते हैं, इफ़ यू पे रेस 100, मतलब अगर आप 100 रुपीज़ देते हैं प्लस पोस्टल चार्ज और ऑनलाइन फी, देन यू विल हैव टू पे 100 प्लस सर्विस चार्ज। अगर आप मीन्स क्या है, नॉन रिजर्व कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जो भी कैंडिडेट्स, वो क्या करें, 100 रुपीज़ तो उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म के देने हैं, उसके बाद उन्हें सर्विस चार्ज, जैसे कि ऑनलाइन चार्ज हो गया या फिर एक्स्ट्रा जो चार्ज होगा थोड़ा बहुत, वो आपको पे करना पड़ेगा। एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी सो दैट दे डू नॉट हैव टू पे एनी फी। और अगर आप, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप फीस वहाँ पे फिल करते हैं तो ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है कि आपको कोई फी यहाँ पे नहीं देनी है। कैंडिडेट्स ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरी विल नॉट हैव टू पे एप्लीकेशन फी, मींस ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा कि जो रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उन्हें कोई भी फीस यहाँ पे नहीं करनी है। इफ़ दे अप्लाई फॉर नॉन रिजर्व्ड सीट, अगर वो अप्लाई करते हैं नॉन रिजर्व्ड सीट के लिए, एंड दे विल बी सब्जेक्ट टू नॉन एनोनिमिटी क्राइटेरिया फॉर सेलेक्शन। उसके बाद यहाँ पे थर्ड है, इवन इफ देयर आर नॉन रिजर्व्ड सीट फॉर वुमेन कैंडिडेट इन द एडवर्टाइजमेंट, वुमेन कैंडिडेट कैन अप्लाई इन द कैटेगरी। तो वुमेन स्टेट के लिए अगर सीट है तो वो अप्लाई कर सकती हैं। फोर्थ है, इन द एडवर्टाइजमेंट आउट ऑफ द टोटल सीट इन दैट कैटेगरी वुमेन कैंडिडेट कैन अप्लाई when vacancies are reserved, the remaining seat other than those reserved for women candidate are not to be considered as reserved only for male candidate. These seat may be considered for selection of male as well as female candidate. ये जो seats हैं ये दोनों के लिए हैं, male candidates के लिए भी reserved हैं और आपकी female candidates के लिए भी reserved हैं। male as well as female candidate can apply out of total 10 seat, 6 सीट आर रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट, इनमें से 10 सीट में से 6 सीट आपकी वुमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, बट वुमेन कैंडिडेट कैन ऑल्सो बी सिलेक्टेड अगेंस्ट रिमेनिंग 5 सीट। लेकिन जो वुमेन कैंडिडेट है वो 5 सीट पे आपकी रिजर्व की जाएंगी। इवन इफ देयर आर ओनली सीट रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट इन द एडवर्टाइजमेंट, मेल कैंडिडेट कैन अप्लाई इन द कैटेगरी एज फीमेल कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल। लेकिन अगर यहाँ पे अगर मेल कैंडिडेट है तो मेल कैंडिडेट, अगर फीमेल कैंडिडेट की सीट रिजर्व है तो वहां पे मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट मे बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन इन दीज सीट, बट ओनली दो सीट विच आर रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट एंड आर फिल्ड बाय वुमेन कैंडिडेट इन सच अ नंबर। जो सीट वुमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व है वहां पे वुमेन कैंडिडेट ही क्या कर सकती है, अप्लाई कर सकती है उन सीट्स के लिए, राइट। उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ है, एडवर्टाइजमेंट ओनली इफ सीट आर रिजर्व फॉर फीमेल कैंडिडेट इन विच मेल कैंडिडेट कैन अप्लाई इन द कैटेगरी एज फीमेल कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल। वही है, जो सीट फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है वहाँ पे मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देयरफॉर इफ दे आर रिजर्व एंड द नंबर ऑफ वुमेन कैंडिडेट इन दैट सीट इज फुली सेलेक्टेड, देन दे विल बी द कंसिडर्ड फर्स्ट एज नो वुमेन कैंडिडेट इज सेलेक्टेड और लेस फीमेल कैंडिडेट
कैंडिडेट सेलेक्टेड देन द सेम नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड. अगर ऐसा होता है कि फीमेल कैंडिडेट ज़्यादा सेलेक्ट नहीं हो पाती हैं, मीन्स ना ही ज़्यादा रिजर्व होती हैं उनकी सीट और ना ही वो ज़्यादा फुलफिल कर पाती हैं, तो उनकी जगह मेल कैंडिडेट को वहाँ पे कंसिडर्ड कर लिया जाता है. टोटल ऑफ 10 सीट आर रिजर्व फॉर फीमेल कैंडिडेट. इफ टू मेल कैंडिडेट आर सेलेक्टेड देन 3 मेल कैंडिडेट कैन बी सेलेक्टेड. अगर कहीं पे 10 सीट है कंप्लीटली और फीमेल कैंडिडेट उन्हें फुलफिल नहीं कर पाती है, तो वहाँ पे मेल कैंडिडेट को फिर से डाल दिया जाता है. उसके बाद एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, डायरेक्टली आपको इसके लिए अप्लाई करना है. उसके बाद प्रीलियम एग्ज़ाम टोटल 300 मार्क्स का होगा. पार्ट ए में आपका जनरल स्टडीज़ आएंगी जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के. पार्ट बी में आपका कंसर्ट सब्जेक्ट होंगे जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के. टाइम ड्यूरेशन होगा आपका 3 घंटे 180 मिनट. और मेन एग्ज़ाम आपका नॉट एप्लीकेबल होगा. मार्क फॉर इंटरव्यू 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा. सिस्टम ऑफ मेरिट 50% वेइंग ऑफ ऑब्टेंड मार्क्स ऑफ प्रीलियम एंड 50% वेइंग ऑफ ऑब्टेंड मार्क ऑफ इंटरव्यू 50-50 वेट एज. अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 50% आपका इंटरव्यू पे बेस करती है ये जॉब और 50% आपका जो रिटर्न आपने एग्जाम दिया है उस पे बेस करती है, ठीक है. उसके बाद लास्ट डेट है एप्लीकेशन की 13 अक्टूबर 2021. तो आप अप्लाई कर दीजिए, जाके आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करें सारी चीज़ें आपको देख के. वहाँ से आप इजीली घर बैठे हुए भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. अगर नहीं कर पाते हैं तो पोस्ट ऑफिस जाके आप इसकी फ़ीस सबमिट कर दीजिए और ऑनलाइन आप इसे क्या करवा सकते हैं, फुलफ़िल करवा सकते हैं, ठीक है. तो जल्द बिल्कुल भी देर मत कीजिए. अगर ये सारी एलिजिबिलिटी आपके अंदर है तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कर दीजिए. लकली अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत काफ़ी दिनों बाद ये ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट निकली है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार.